हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरे शरत एजुकेशन में स्वागत है। आज होगा हमारा जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स का यूनिट 7 है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसका और एक वीडियो होगी जो कि फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर होगी, जो कि फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर होगी। आज हम क्या कवर करेंगे? फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट और प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये सब आज कवर करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट इट कैन बी इंक्लूड एनी प्लेस और सिस्टम दैट प्रोवाइड्स बेयर्स एंड सेलर्स द मीन्स टू ट्रेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग बॉन्ड्स, इक्विटी, द वेरियस इंटरनेशनल सिक्योरिटीज और करेंसीज एंड डेरिवेटिव्स। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा एक प्लेस है जहाँ पर हमारा ट्रेड होता है। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड जैसे कि हम बिजनेस करते हैं वैसा ट्रेड नहीं, ये फाइनेंशियल ट्रेड होता है। जैसे कि हम बॉन्ड्स हो गया, इक्विटीज हो गया, शेयर्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया और इंटरनेशनल करेंसीज हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज हो गया, ये सब बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम जिसको बोलते हैं, उसी को हम फाइनेंशियल मार्केट में क्या करते हैं, सेल परचेज करते हैं, उसी को हम ट्रेड कहेंगे, जो कि फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड हो सकता है। ओके, देखिए, फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस है, जैसे कि प्राइस डिटरमिनेशन करना, फंड मोबिलाइजेशन, लिक्विडिटी, रिस्क शेयरिंग, इजी एक्सेस, रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लास्ट में आएगा कैपिटल फॉर्मेशन। लास्ट में उसमें क्या क्या होता है, देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है और रिस्क भी है और लिक्विडिटी भी है और प्राइस भी है, और ये सारा देखिए जो कि ये सब टाइम बेस है, जो कि हमारा एक हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट होगा यहाँ पर ये सब रहेगा। जैसे कि कोई भी डेप्ट हो, कोई भी सिक्योरिटी हो, कोई भी इक्विटी हो, उसका क्या होता है, उसके टाइम के हिसाब से उसका प्राइस डिटरमिनेशन होता है, उसी हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें जरूरत पड़े तो उसको हम कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और उस वहाँ पर रिस्क भी होता है, जैसे कि कभी टाइम के हिसाब से उसका प्राइस नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और वहाँ पर वो रिस्क रहेगा और कहीं पर भी माइनस भी आ सकता है। और ये इजी एक्सेस होता है, यहाँ पर कोई इतने ज़्यादा ये नहीं है, कंजूसी नहीं है, जैसे कि आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, बहुत सारा फेवर्स चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर आप डायरेक्ट इंट्रैक्शन कर सकते हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और कोई भी कर सकता है। यहाँ पर कोई रजिस्टर हो, आप नॉन रजिस्टर हो, और आप वन टाइम करना चाहते हो, वही आप हमेशा करने के लिए चाहते हो, मतलब सिक्योरिटी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो और वहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन करो, रिटर्न्स पाओ और रिटर्न्स भी दे दो, सब कुछ यहाँ पर आपको हो सकता है। देखिए, जो फंक्शन होता है उसको और थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, पहला आता है क्या, प्राइस डिटरमिनेशन। प्राइस डिटरमिनेशन क्या होता है, जब प्राइस एट व्हिच द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड इन द फाइनेंशियल मार्केट आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट प्रोसेस। यहाँ पर भी मार्केट प्रोसेस होता है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई होता है, यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ओके, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होता है सबका परचेज होता है और सेल होता है, उसी हिसाब से मार्केट में जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जिस कंपनी हो, उसका इक्विटी हो, उसका डिवेंचर हो, उसका प्रिफरेंस शेयर हो, ओके, जितने भी होगा और कोई भी शेयर हो, न्यू शेयर हो, ओल्ड शेयर हो, सेकेंडरी मार्केट हो और प्राइमरी मार्केट हो, ओके, यहाँ पर क्या होता है ना, जितना हिसाब से सप्लाई होगा उसी हिसाब से डिमांड भी होगा। यदि सप्लाई आपका सिक्योरिटी का डिमांड अच्छा है और आपका प्राइस भी अच्छा रहेगा और वहाँ पर रिस्क बहुत कम रहेगा और कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा और मार्केट में आप स्टेबल हो, आप हमेशा के लिए बहुत बहुत सालों से आपका सिक्योरिटी क्या कर रहा है, मार्केट में सेविंग चल रहा है और सेविंग के साथ चल रहा है और स्टेबल में चल रहा है, उसका मतलब वहाँ पर अच्छा है, जो कि अच्छा कंपनी है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, वो कंटिन्यूसली उसका जो प्रोडक्ट है अच्छा से सेल हो रहा है, और क्योंकि उसका जो मार्केट में बहुत अच्छा वैल्यू है इसलिए वो स्टेबल है। वो कोई ऊपर है तो कोई नीचे है, जो नीचे है वहाँ पर बहुत सारे रिस्क भरा हुआ है और जो ऊपर है वो प्रॉफिट के साथ चल रहा है, बहुत ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर। देखिए, नेक्स्ट देखिए, फंड मोबिलाइजेशन, द रिक्वायर्ड रिटर्न। फंड मोबिलाइजेशन मीन्स जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसका भी रिटर्न चाहिए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट तो इसलिए कर रहा है ना, क्योंकि उसका अच्छा रिटर्न आना चाहिए। अच्छा रिटर्न आउट ऑफ द फंड इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर्स इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द पार्टिसिपेंट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको क्या होना चाहिए,
फंड को प्रॉपर मोबिलाइजेशन होना चाहिए। मोबिलाइजेशन कैसे होगा, वो जो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या होगा, उसका कैपिटल अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सकता है। अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा तो प्रॉपर प्रॉपर सीक्वेंस में प्रॉपर जगह वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या होगा, उसको प्रॉपर रिटर्न मिलेगा, रिस्क भी लो रहेगा। ओके, और यहाँ पर क्या होता है ना, मार्केट जो फाइनेंशियल मार्केट होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होता है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है। जो रिस्क लेता है वो इसके भी पाता है, हम सुने नहीं। नेक्स्ट देखिए, लिक्विडिटी। इन्वेस्टर्स कैन सेल देयर सिक्योरिटीज रेडियली रेडिली एंड कन्वर्ट देम इंटू कैश इन द फाइनेंशियल मार्केट। क्या कर सकते हो, लिक्विडिटी मीन्स आपका आपको जब इनकम का जरूरत होगा, आपका जब क्या पैसा का जरूरत होगा, फाइनेंस का जरूरत होगा, आप क्या करोगे, आपके पास जो भी सिक्योरिटी है आप इमीडिएट उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि वो आप इमीडिएट मार्केट में उसको सेल कर सकते हो। ओके, आप इमीडिएट परचेज भी कर सकते हो, इमीडिएट सेल भी कर सकते हो, मतलब आज ही परचेज कर सकते हो, आज ही सेल भी कर सकते हो। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप सेल कर दोगे तो इमीडिएटली वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके इसके लिए हम इसको लिक्विडिटी मार्केट भी बोलते हैं, क्योंकि इमीडिएटली हम जो सिक्योरिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये लिक्विडिटी भी है। और रिस्क देखिए, रिस्क रिस्क शेयर में विथ द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट द रिस्क इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1% टू अंडर अंडरटेक्स द इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर क्या होता है ना, जो कंपनी होता है, जो उसका जो इक्विटी होता है और जो भी सिक्योरिटीज होता है उसको क्या होता है, वहाँ पर हमेशा रिस्क शेयरिंग होता रहता है, मतलब 1% से दूसरा पर्सन, क्योंकि यहाँ पर सेल होता है ना, सेल और परचेज होता है ना, सिक्योरिटीज सेल और परचेज, जो सेल करेगा उसके पास जब था रिस्क था, वो जो परचेज करेगा उसके पास क्या हो जाएगा, जो रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसके पास क्या हो जाएगा, रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा और वो रिस्क उसके पास चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इजी एसेस। इजी एसेस में क्या होगा, द फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म्स प्रोवाइड्स फाइनेंशियल मार्केट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स द पोटेंशियल बेयर एंड सेलर इजिली व्हिच हेल्प देम देयर टाइम सेव एंड मनी देयर टाइम एंड मनी इन द इन फंडिंग पोटेंशियल बेयर एंड सेलर। देखिए, इजी एसेस क्या होता है, मतलब यहाँ पर आप इलिक्विडिटी में देखे थे, क्योंकि वहाँ पर क्या था, आप आज ही परचेस कर सकते हो, आज ही उसको सेल भी कर सकते हो, मतलब क्या होगा, आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी, आप आराम से यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, आउट भी एग्जिस्ट भी कर सकते हो। ओके, एग्जिस्ट भी कर सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इतना इन्वेस्टमेंट इंक्वायरी नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट आ सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इजी भी एसेस कर सकते तो वो आउट आउट भी जा सकते हो। ओके, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, यहाँ पर अच्छा मार्केट है और यहाँ पर आपको अच्छा भी रिटर्न भी मिल सकता है। देम हेल्प क्या बोला है, इजीली द पोटेंशियल बेयर्स एंड सेलर्स इजीली व्हिच हेल्प देम सेव देयर टाइम एंड मनी इन फंडिंग द पोटेंशियल बेयर्स एंड सेलर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड प्रोविजन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यहाँ पर क्या होता है ना, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है और कहीं कहीं जीरो भी होता है, कहीं कहीं जीरो भी होता है, क्योंकि यहाँ पर आप इजिली इसलिए इजिली इजिली आप एंट्री कर सकते हो, एग्जिस्ट भी कर सकते हो और आपका यहाँ पर आप आ सकते हो, परचेज कर सकते हो सिक्योरिटीज और सेल भी कर दो, और जो प्रॉफिट मिला तो उसको लेकर चले जाओ, नहीं तो आप उसको रख भी सकते हो, आपके पास रख भी सकते हो, कभी फ्यूचर फ्यूचर के लिए कभी ज़्यादा प्राइस होगा तो आप क्या करोगे, सेल करने के लिए उसको रख भी सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत कम है, इसलिए आप उसको स्टे कर सकते हो, और प्रोविजन जितनी भी प्रोविजन है इतना ये कंफर्टेबल है, जो कि सभी इन्वेस्टर के लिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेके, सॉरी कोई कोई भी क्या बोल सकते हैं, डिस्क्वालीफाई जो हो सकता है, मतलब कुछ डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है, ऐसा ही कुछ नहीं है यहाँ पर, आप आराम से आ सकते हो, थोड़ा सा रिस्क भी हो होना चाहिए ना, रिस्क होगा तो आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न भी मिलेगा ना, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर यहाँ मार्केट चार्जेस कुछ नहीं होता और बहुत कम होता है तो बहुत कम होता है, और इजीली आप एक्सेस कर सकते हो, उसका जो इतना भी इंफॉर्मेशन है, डाटा है, आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट हो, वेरियस सोर्सेस हो, एक्सचेंज हमारा यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, डाटा कलेक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन से कर सकते हो और आउट ऑफ एक्सचेंज भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल यहाँ कैपिटल फॉर्म फाइनेंस
मार्केट का मेन मोटो क्या है, फाइनेंशियल मार्केट का मेन मोटो क्या है, जो कि कैपिटल फॉर्मेशन करना। यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा, इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि हम आप बैंक में जाकर सेविंग करोगे, आप क्या करोगे, बैंक में जाकर सेविंग करोगे तो यहाँ पर कितना आपको रिटर्न मिल सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6% ही मिल सकता है। बट आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30% तक आप गेन कर सकते हो, मैक्सिमम 30% 50%, कभी कभी तो 100% भी होता है, कभी कभी तो 100% भी होता है। मिनिमम तो आप 10% 20% से ज़्यादा भी आप कहीं भी कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर क्या होता है ना, जहाँ कैपिटल फॉर्मेशन का बहुत अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स द चैनल, ये एक चैनल प्रोवाइड करता है, जो फाइनेंशियल मार्केट चैनल प्रोवाइड करता है, हुज द न्यू इन्वेस्टर्स सेविंग फ्लो इन द कंट्री, हुज एड्स इन द कंट्रीज कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि जो न्यू इन्वेस्टर है, जो न्यू एम्प्लॉइज हो, सपोज मैं एक न्यू यूनिवर्सिटी में जॉब किया तो मेरे पास क्या है, इनकम आया, न्यू हूँ, मेरे पास इनकम आया तो मेरा सेविंग भी इनकम हुआ, सेविंग इंक्रीज हुआ तो मैं क्या करूँगा, वो बैंक में सेव ना करके मैं कैपिटल मार्केट में क्या करूँगा, उसको इन्वेस्टमेंट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है, रिस्क तो रहेगा और तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए यहाँ पर हमको सभी यंग हो, जितने भी जिसके आपके पास इन्कम हो, यहाँ पर क्या कर सकता है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओके, ये हो गया फाइनेंशियल मार्केट का कुछ फीचर्स हो गया। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ, देखिए क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, आप फाइनेंशियल मार्केट को क्लेम के हिसाब से क्या कर सकते हो, क्लेम बाय द नेचर ऑफ क्लेम के हिसाब से उसको क्लासीफाई कर सकते हो, बाय मैच्योरिटी के हिसाब से, नेचर के हिसाब से उसको क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो, मैच्योरिटी के हिसाब से उसको क्लासीफाई कर सकते हो, टाइम के हिसाब से उसको भी क्लासीफाई कर सकते हो, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के वाइज भी उसको क्लासीफाई कर सकते हो। देखिए क्लेम नेचर क्या होता है, नेचर होता है वो डेप्ट होता है और इक्विटी होता है, डेप्ट होता है और इक्विटी, दो टाइप का हमारा नेचर होता है, जैसे कि डेप्ट वाला एक होता है और एक नेचर वाला होता है, और सॉरी और एक इक्विटी वाला होता है। यहाँ पर क्या होता है, डेप्ट मार्केट इसको बोलेंगे आप, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विटी मार्केट ही बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए मैच्योरिटी मीन्स हमारे पास जो भी फाइनेंस है, मैच्योरिटी मीन्स जो फाइनेंस है वो कुछ टाइम के बाद उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, उसका क्या होगा, जो सिक्योरिटी हो, पैसा हो और जो भी इन्वेस्टमेंट हो, सबका क्या होता है, हमेशा मार्केट में प्राइस चेंजेस होता रहता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, क्या एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए टाइम हम उसका मैच्योरिटी पीरियड होगा तो उसका टाइम भी रहेगा, मतलब आपको देखा होगा आज प्राइस क्या है, कैश का प्राइस आज कुछ है, मैंने रुपीज़ का वैल्यू आज कुछ है तो कल कुछ भी है। ओके, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से आज के रुपीज का वैल्यू कुछ हो तो और कल भी कुछ चेंज है, कल इंक्रीज हो सकता है, कल चेंज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, इसलिए क्या हो सकता है, यहाँ पर टाइम के हिसाब से आपको क्या कैश मार्केट हो सकता है और फ्यूचर मार्केट भी हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्या, ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारा क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज से होता है हमारा, यहाँ पर ट्रेड भी स्टॉक एक्सचेंज भी होता है और आउट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज भी क्या होता है, ट्रेड भी होता है। ओके, देखिए ये हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, उसको और भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, और भी थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। देखिए जो कि क्लेम नेचर के हिसाब से क्लेम होगा, तो नेचर के हिसाब से क्लेम होगा तो क्या होगा, क्या होगा, देखिए जो कि डेप्ट मार्केट, ये डेप्ट मार्केट इज व्हेन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट सच एज डिबेंचर बॉन्ड्स और एक्सेट्रा आर ट्रेड बिटवीन इन्वेस्टर्स, सच इंस्ट्रूमेंट्स हैव फिक्स्ड क्लेम्स, दैट इज देयर आर द एंटिटी एसेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द सर्टन अमाउंट। क्या होगा, देखिए जो डेप्ट मार्केट है ना, वहाँ पर क्या होता है, जो डिबेंचर होता है, बॉन्ड्स होता है और सिक्योरिटीज कुछ होता है और ऐसा कुछ होता है, जहाँ पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट उसको पे किया जाता है। क्या होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट उसको पे किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर, क्योंकि ये डेप्ट मार्केट है, जैसे कि वन टाइप ऑफ लोन है,
जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको वन टाइप ऑफ ये लोन है, जो कि वहाँ पर क्या होता है इन्वेस्टमेंट होता है, बट लोन नहीं है ये, वन टाइप ऑफ लोन के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि लोन में क्या होता है ना जो इंटरेस्ट होता है वो प्रॉपरली ये फिक्स होता है, इसलिए यहाँ पर भी जो इंटरेस्ट होगा और डेबिट होगा ये फिक्स ही रहेगा, फिक्स रहेगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जितने भी आप इन्वेस्टमेंट करो वो मैक्सिमम एक लिमिट होता है यहाँ पर। और क्या, और भी क्या होता है जो कि रिस्क है, भी रिस्क भी यहाँ पर बहुत कम रहेगा, क्योंकि आप डेब्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहाँ पर कंपलसरी आपको रिटर्न आएगा ही आएगा, कंपलसरी आपको रिटर्न आएगा ही। इधर शेयर इज एसेट, एसेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टन अमाउंट, इसलिए ये रेस्ट्रिक्टेड है, सर्टन अमाउंट तक कुछ रेस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट देखिए इक्विटी मार्केट, इन दिस मार्केट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड एज नेम सजेस्ट, इक्विटी रेफर्स टू द ओनर्स कैपिटल इन द बिजनेस। देखिए जो इक्विटी को हम क्या बोलते हैं, ओनर्स कैपिटल बोलते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हो लॉस हो जो कि ओनर को ही सहना पड़ेगा, प्रॉफिट हो लॉस हो और कुछ ना हो तो वो भी ओनर्स को ही सहना पड़ेगा। बट डेब्ट मार्केट में क्या होता है, वो डेब्ट मार्केट के ऊपर वहाँ पर लॉस लॉस हो प्रॉफिट हो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो डेब्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि उसको कंपल्सरी इंटरेस्ट मिलता ही रहेगा, इन डिविडेंड मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। बट जो ओनर होगा, इक्विटी शेयर होल्डर होगा, उसको कभी भी उसका प्रॉफिट हो सकता है, कभी भी ना भी हो सकता है, और कभी भी बहुत हाई भी प्रॉफिट हो सकता है। ओके उसका जो मार्केट के सप्लाई हिसाब से, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से इक्विटी मार्केट में चेंजेस आता रहता है। नेक्स्ट देखिए मैच्योरिटी क्लेम के हिसाब से करेंगे तो एक मनी मार्केट है और कैपिटल मार्केट है। मनी मार्केट जो होगा वहाँ पर क्या होगा, हमारा जो दिस मार्केट डील्स विथ मनी मॉनिटरी असेट्स सच एज ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, मैच्योरिटी, ये सब इसके ऊपर वो बेस रहेगा। तो मनी मार्केट इज ए शॉर्ट टर्म फंड, जहाँ पर एक शॉर्ट टर्म फंड हो सकता है, मैक्सिमम 1 ईयर 2 ईयर के बीच में ही हो सकता है। ओके मैक्सिमम 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में ही हो सकता है, जो कि और ये क्या हो सकता है, 1 डे से होकर 1 डे वीकली मंथ मंथ वाइज और 6 मंथ 3 मंथ होकर अप टू 1 ईयर तक हो सकता है, जो कि मनी मार्केट उसको बोलेंगे, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। वहाँ पर क्या क्या ट्रेड होता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, ये सब क्या होगा, मनी मार्केट में एक एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यहाँ पर परचेज और सेल होता रहता है। ओके नेक्स्ट देखिए कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होता है, जो कि मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, कैपिटल मार्केट वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। वहाँ पर क्या होता है, एक वहाँ पर भी एक कैपिटल प्राइमरी मार्केट है और एक सेकेंडरी मार्केट है। देखिए क्या बोल रहा है, तो प्राइम कैपिटल मार्केट इज व्हेन इंस्ट्रूमेंट्स विथ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी आर ट्रेडेड, जो मीडियम टर्म होगा वो प्राइमरी में आएगा, जो लॉन्ग टर्म होगा वो सेकेंडरी में आएगा। ओके सेकेंडरी में, इट इज द मार्केट वेयर द मैक्सिमम इंटरचेंज ऑफ मनी हैपेंस, इट हैपेंस, इट हेल्प्स कंपनीज टू असेस मनी थ्रू इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, शेयर कैपिटल एक्सेट्रा। ओके उसको और भी थोड़ा सा क्लासीफाई करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट को और भी थोड़ा क्लासीफाई करेंगे तो हमको हमको क्या मिलेगा, देखिए कैपिटल मार्केट एक मिलेगा, एक मनी मार्केट मिलेगा, और भी थोड़ा क्लासिफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक कैपिटल मार्केट मिलेगा, एक मनी मार्केट भी मिलेगा। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, 2 मार्केट होता है, जैसे कि प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। मनी मार्केट में किस इंस्ट्रूमेंट से होता है, जैसे कॉल मनी हो गया और ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गया, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब हो गया इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। और कैपिटल मार्केट में 2 टाइप ऑफ मार्केट होता है, देखिए प्राइमरी मार्केट जो कि प्राइमरी मार्केट था, कैपिटल मार्केट में फास्ट ट्रैक क्या, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जो कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होता है उसका हम प्राइमरी मार्केट ही बोल सकते हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। जैसे कि कोई एक कंपनी उसका आईपीओ लॉन्च कर रहा है, कोई एक कंपनी उसका आईपीओ लॉन्च कर रहा है, उसको क्या होगा, उसका मतलब फर्स्ट टाइम उसको इशू कर रहा है, जो कि पब्लिक कर रहा है, उसका शेयर को क्या कर रहा है, पब्लिक कर रहा है। द प्राइमरी मार्केट इज ए कैपिटल मार्केट वेयर न्यू डेब्ट बेस्ड इक्विटी बेस्ड न्यू डेब्ट बेस्ड इक्विटी बेस्ड और अदर एसेट बेस्ड सिक्योरिटीज आर क्रिएटेड एंड डायरेक्टली परचेस्ड बाय द इन्वेस्टर। देखिए क्या होता है, न्यू यहाँ पर न्यू होगा, न्यूली कर रहा है ना, न्यू डेब्ट बेस्ड और इक्विटी, डेब्ट न्यू क्रिएट कर रहा है और इक्विटी भी न्यू कर रहा है,
और अदर असेट्स कुछ सिक्योरिटीज जैसा वो न्यूली क्रिएटेड कर रहा है कि जो कंपनी होगा वो क्रिएट कर रहा है। ओके, क्रिएट करके क्या करेगा, वो सेल करेगा डायरेक्टली, परचेज बाय द इन्वेस्टर फ्रॉम द इश्यूअर। यहाँ पर क्या हो सकता है, वो इश्यू करेगा और जो परचेज होगा मैं डायरेक्ट कर जाऊंगा, तो परचेज करने के लिए मैं जाकर डायरेक्ट भी परचेज कर पाऊंगा। ओके, वंस द सिक्योरिटी आर सोल्ड द फर्स्ट टाइम दे आर रेडी टू एंटर इन द सेकेंडरी मार्केट। एक बार कोई एक डेप्ट डेप्ट हो इक्विटी हो वो सेल हो गया तो मार्केट में आ गया तो वो ऑलरेडी फर्स्ट टाइम हो गया, और नेक्स्ट होगा तो वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा। ओके, फर्स्ट टाइम हो गया तो नेक्स्ट क्या होगा, उसका सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा। दे आर रेडी टू एंटर इनटू सेकेंडरी मार्केट फॉर द फ्यूचर सेल एंड परचेज। पब्लिक इश्यूज, राइट इश्यूज, प्रेफरेंशियल इश्यूज एंड प्राइवेट प्लेसमेंट एंड इश्यूज दैट क्लासिफाइड बाय प्राइमरी मार्केट। मार्केट न्यू इश्यू ऑफरिंग अंडरटेकिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द थ्री प्राइमरी फंक्शंस ऑफ दिस मार्केट। ओके, प्राइमरी फंक्शंस होता है, थ्री प्राइमरी फंक्शंस होता है। ओके, देखिए आज आज इतने ही रखते हैं क्योंकि बाहर से बहुत सारा साउंड आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी मार्केट देखेंगे, सेकेंडरी प्राइमरी मार्केट टाइप्स देखेंगे, सेकेंडरी मार्केट देखेंगे और ओके ये सब नेक्स्ट मार्केट मनी मार्केट भी उसका कवर करेंगे। आज बाहर से बहुत सारा साउंड आ रहा है, इसलिए आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। ओके, धन्यवाद।